नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों अधिकतर लोग नहाने के बाद भगवान का नाम जरूर लेते हैं, सभी की दिनचर्या अलग अलग होती है और उसी हिसाब से सभी लोग भगवान की पूजा भी करते हैं। कोई सुबह उठकर जल्दी नहाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो कोई दोपहर तक सारे काम निपटाकर भगवान की पूजा करता है। भगवान की पूजा का तरीका भी अलग अलग होता है, कोई सिर्फ माथा टेक कर भगवान का ध्यान कर लेता है, तो कोई अगरबत्ती दीपक और शंख लेकर घंटों तक भगवान की पूजा करता है। कई लोगों के सालों तक पूजा करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, ऐसे में संभव है कि आप गलत तरीके से पूजा कर रहे हो। अगर सही तरीके से भगवान की पूजा की जाए तो फल जरूर मिलता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा करने का सही तरीका भी बताया गया है, अगर आप इसका पालन करके पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल जल्द मिलता है। इसी वजह से शुभ मौकों, व्रत त्योहार आदि पर पंडित को बुलाया जाता है ताकि वो सही तरीके से पूजा कराए और उसका फल जल्दी से मिले। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा के सही तरीकों के साथ साथ कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं, इन नियमों को ध्यान में रखकर सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहली और जरूरी बात तो है कि आपको पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, ये स्थान हमें सकारात्मकता देता है। पूजा घर के गंदे रहने पर कई तरह की परेशानियां आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा रहने लगती है। हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। जाप करने के लिए कभी भी दूसरे की माला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने लिए एक अलग जप माला रखें। पूजा के लिए एक समय तय करें और रोजाना उसी समय पर पूजा करने की कोशिश करें। पूजा करते समय हमेशा सिर ढककर रखना चाहिए, सिर ढका रहने से आपके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और आपकी पूजा बिना किसी विघ्न के संपन्न होती है। भगवान को प्रणाम करते समय हमेशा दोनों हाथों से उनके पैर छूने चाहिए। कोशिश करें कि आपका बायां हाथ उनके बाएं पैर और दायां हाथ उनके दाएं पैर को स्पर्श करे। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल पुरुषों को ही ऐसा करने की अनुमति है। कभी भी एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए, शास्त्रों में साफ तौर पर ऐसा करने की मनाही है। हमेशा माचिस की तीली या मोमबत्ती से ही दिया जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी और शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। यूं तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधानों में उलझ जाता है। लेकिन अगर आप इन बातों का ख्याल रख लें तो ऐसे में आपकी उलझनों को कुछ हद तक दूर आप कर सकते हैं। नंबर एक, पूजा में भूल कर भी आपको ये चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दुर्वा और सूर्य को बिल्व पत्र कभी भी नहीं चढ़ाए जाते। नंबर दो, इससे प्रसन्न होंगे भगवान। शिव जी को बिल्व पत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को लाल कनेर के फूल और माँ दुर्गा को लौंग व लाल फूल बेहद ही प्रिय है। अगर आप इन्हें ये अर्पित करें तो इससे जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर तीन, पूजा में कहाँ और क्या रखें। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए, घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। नंबर चार, इस तरह करें आप तिलक। भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका करते हैं, इस दौरान ध्यान रखें कि देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी कि हाथ की जो तीसरी उंगली है, जब आप अंगूठे की ओर से गिने तो आपके हाथ की तीसरी उंगली, आपको इसी से तिलक करना है या सिंदूर लगाना है। नंबर पांच, आप ये ना करें, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर छह, इस तरह से धूप दीप लगानी चाहिए। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी भी ना जलाएं, ऐसा करना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। नंबर सात, अगर आपकी कोई पूजा सामग्री छूट जाए तो, पूजा में अगर आपकी कोई सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें, ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें, क्योंकि दोस्तों चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में आपकी ये भूल चूक पूजा पर असर नहीं करती। दोस्तों जिस घर के मंदिर में अगर ये गलतियां होती है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और वहां पर अस्थायी रूप से भूत बाधा वास करने लगती है, ऐसे में
परी भी उस घर में अपना वास बना लेती है, जिसके कारण वो व्यक्ति सीधे तौर पर कंगाल हो जाता है। आपको बता दें, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी आपका मंदिर बनवाएं तो इन बातों का खास ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप हमारी इन बातों पर गौर करेंगे तो निश्चित ही आप धनवान अवश्य बनेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से भी वो कौन सी गलतियां हैं जो आम तौर पर हम अपने घर में कर लेते हैं। नंबर एक, आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर आपको रखनी चाहिए। भगवान की दो दो तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर दो, वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसीलिए ये गलती करने से भी बचें। दोस्तों, नंबर तीन, जिस घर में सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना होता है तो वहाँ पर सीधे तौर पर गरीबी अपना वास बना लेती है। ऐसे घरों में लड़ाई झगड़े रुकने का नाम ही नहीं लेते और यहाँ तक कि देवी देवता भी उस घर से हमेशा के लिए नाराज होकर चले जाते हैं। दोस्तों, नंबर चार, पूजा घर को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी ना बनाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, इसीलिए घर में नेगेटिविटी आ जाती है, तो आप ये गलती ना करें। दोस्तों, नंबर पाँच, पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा वाली जो दीवार है उस पर ही आप ये तस्वीरें लगाएं, क्योंकि ये दिशा इनके लिए अच्छी मानी जाती है। और अगर आपने पूर्वजों की तस्वीरों को कहीं और लगाया है तो घर में नेगेटिविटी आ जाएगी। दोस्तों, नंबर छह, जिस घर में भगवान को दीवार से सटाकर लगाया जाता है तो वहां पर भी सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। ऐसा करने पर आपके घर में बीमारी अपना वास बना लेती है, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर सात, अक्सर कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपने पूजा घर के ऊपर सामान को रख देते हैं, जो कि वास्तु शास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने पर धन की देवी महालक्ष्मी नाखुश हो जाती है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर आठ, कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में पूजा घर को अपने बेडरूम में ही बनवा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने पर तेजी से वो व्यक्ति गरीब होता चला जाता है, तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। लेकिन अब आजकल दोस्तों रेंटेड हाउस में लोग रहते हैं, या फिर किसी भी कारण से स्पेस की कमी के कारण अगर आपको मजबूरन बेडरूम में ही अपना पूजा घर बनाना पड़ रहा है और आप इसे कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप ये छोटा सा काम कर लीजिए। आप अपने पूजा घर पे एक लाल रंग का पर्दा लगा लें और जिस समय पे आपने दीपक उजागर नहीं किया हुआ है उस समय पे आप वो पर्दा करके रखें, और रात को सोते समय भी आप मंदिर पर पर्दा ही रखें। ऐसे में आप काफी हद तक वास्तु दोष को घर में कम कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर नौ, वास्तु के अनुसार जहाँ पर आपका पूजा घर बना हो तो उसकी दीवारें बिल्कुल अलग रंग से होनी चाहिए। घर के रंग से मेल ना खाएं, जैसे कि आपके मंदिर का रंग काला नहीं होना चाहिए, नीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और सफेद भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 10 की। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती है। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते, इसीलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखें, सूर्य, गणेश, दुर्वा, शिव और विष्णु ये पंच देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देव का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को दुर्वा, जो कि एक प्रकार की घास है, कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को विशेष रूप से आप दुर्वा अर्पित करें तो वो जल्द ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, रविवार को आपको दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में आपको कभी भी गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अगर आपने भी ये गलती की है तो इसे जल्द से जल्द सुधार लें। अपवित्र धातु से मेरा तात्पर्य है जैसे एल्यूमिनियम या फिर लोहे से बने हुए बर्तन। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है।
इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं, ये बासी नहीं माना जाता। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे आम गलती मैंने बहुत से घरों में नोटिस की है। लोग कहते हैं हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं पर भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी गलतियां जिनका हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। ये बहुत ही आम गलती मैंने बहुत से घरों में नोटिस की है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी हो जाते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं, एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।